subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोना वायरस की वजह से पूरा हिंदुस्तान ठप पड़ा हुआ है, नवी मुंबई भी बंद पड़ा हुआ है। इसके चलते गरीब मजदूरों को खाने पीने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नवी मुंबई के निवासी गोविंद ललन सिंह पाल, जो पूरी नवी मुंबई में ब्रिटानिया ब्रेड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके माध्यम से गरीब मजदूरों की समस्या को देखते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण से अपनी गोविंद ब्रांड एजेंसी की तरफ से पूरी नवी मुंबई में गरीब मजदूर लोगों की बस्तियों में जाकर उनकी टीम हर रोज ब्रेड बांट रही है। दो दिन से नेहरू नवी मुंबई में ब्रेड बांटे जा रहे हैं। काफ़ी प्रकोप ऐसा चल रहा है महामारी का, कोरोना वायरस का, इसकी वजह से हम लोग दो दिन हो गए तब से ब्रेड बांटे जा रहे हैं इसे सभी लोगों को। ये अपने ब्रिटानिया ब्रेड एजेंसी गोविंद पाल की तरफ से सारे नवी मुंबई में बांटे जा रहे हैं। यहाँ पे नेहरू एरिया है, यहाँ पे सब जगह सेक्टर एक में सब जगह ही बांटे जा रहे हैं। हालांकि ब्रेड अभी इस टाइम सभी लोग हाँ फ्री में, एकदम फ्री। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। हमारे नेहरोल में गोविंद सेठ ब्रिटानिया एजेंसी सेक्टर एक नेहरोल से दो दिन से ब्रेड बांट रहे हैं। काफ़ी लोगों को बांटा है, दो दिन से बांट रहे हैं, काफ़ी लोगों को ब्रेड बांटा है। और इस महाभयंकर बीमारी से निपटने में गरीब को मदद कर अपना सामाजिक योगदान दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मित्र के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज़ टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।